क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। अगर आप भी निकोलस पुरन को एक तूफानी बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर कर देवे जाएं। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज का पहला टी20 मुकाबला तो समाप्त हो चुका है, लेकिन ये पहला टी20 मुकाबला काफी ज्यादा धमाकेदार रहा, जहां अंत में भारतीय टीम ने इस तूफानी मुकाबले को 6 विकेटों से जीत लिया। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी वेस्टइंडीज की टीम। दोस्तों, वेस्टइंडीज को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा की कप्तानी ने, जहां वेस्टइंडीज की पहली विकेट गिरी थी ब्रैंडन किंग के रूप में, जो मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन उनके बाद मैदान पर एक तूफान लेकर आए थे निकोलस पुरन। यहीं पर पूरी कहानी शुरू हुई। सबसे पहले तो निकोलस पुरन ने दीपक चहर को एक करारा छक्का चढ़ा था, जिसे देख सभी की आंखें खुल गई थी कि निकोलस पुरन आज धमाका करने वाले। के सामने छठवां ओवर लेकर आई युजवेंद्र चहल। ओवर की पहली गेंद युजवेंद्र चहल ने निकोलस पुरन को फेंकी। निकोलस पुरन ने वापस से पूरी ताकत से गेंद को खेला। गेंद पूरा हवा में जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि छक्के की ओर पहुंच जाएगी, लेकिन नीचे आ गए रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई ने कैच पकड़ लिया। सभी को लगा उन्होंने पूरी तरह से परफेक्ट तरीके से कैच पकड़ा है, लेकिन जब हम गौर से उनके पैर को देखेंगे तो वो रोप से टच हो गया था। ये भी रवि बिश्नोई को बाद गेंद हाथ में रखकर पता चली, जैसे कि उनका रिएक्शन आप देख ही सकते हैं। उनका रिएक्शन देख युजवेंद्र चहल पागल हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये कैच रवि बिश्नोई ने पकड़ी है, लेकिन उन्होंने पकड़कर पैर बाउंड्री रोप से टच कर दिया है, जिसके चलते निकोलस पुरन नॉट आउट ही नहीं, इस गेंद पर छक्का भी चले गया, प्लस बोनस मिला वेस्टइंडीज को। दोस्तों, इस चीज को देख खुद रोहित शर्मा का रिएक्शन कुछ ऐसा था। दोस्तों, रवि बिश्नोई की इस हरकत को देखकर रोहित शर्मा पागल हो गए, क्योंकि सभी को लग रहा था कि बाउंड्री के नीचे आकर पकड़ लिया है गेंद को रवि बिश्नोई ने, लेकिन जैसे ही उन्होंने कैच पकड़ा था तो उनका पैर बाउंड्री रोप से टच हो गया था, जिसके बाद रोहित शर्मा का कुछ ऐसा रिएक्शन था। ऐसे में रोहित शर्मा तो गुस्से में पागल होते जा रहे थे। सभी को यही लग रहा था कि निकोलस पुरन जैसी बड़ी विकेट हाथ में लग गई है भारतीय टीम के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रवि बिश्नोई हैरान हो चुके थे, सभी की नजरें सिर्फ रवि बिश्नोई के ऊपर थी और रवि बिश्नोई काफी ज्यादा मायूस नजर आ रहे थे मैदान पर। सोने पे सुहागा तो ये था कि इसी निकोलस पुरन ने इस मुकाबले में अर्धशतक लगाया, वो भी चहल की गेंदबाजी के सामने। 61 रनों की पारी खेली निकोलस पुरन ने सिर्फ एक जीवनदान के बदौलत और वेस्टइंडीज को पहुंचाया 157 रन तक। हालांकि भारतीय टीम में मुकाबला जीत गई, लेकिन निकोलस पुरन ने अपने जीवनदान का भरपूर फायदा उठाया। दोस्तों, इस पूरे वाक्य पर आपको क्या कहना है, का जवाब हमें कॉमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाए। तो अगर आप भी भारतीय टीम की शानदार जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, समाप्त हो चुका है टी20 श्रृंखला का पहला टी20 मुकाबला। भारत और वेस्टइंडीज के बीच में खेला गया पहला टी20 मुकाबला। ऐसे में भारतीय टीम ने पहले टी20 मुकाबले को शानदार तरीके से 6 विकेटों से अपने नाम कर लिया है और वेस्टइंडीज की टीम को इसे तूफानी मुकाबले में हरा कर रख दिया है। भारतीय टीम ने यह मुकाबला जीतकर 1-0 की बढ़त भी बना ली है। लेकिन इस मुकाबले में जब वेस्टइंडीज पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी, तब रोहित शर्मा एक और बार काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए। दोस्तों, ये बात है मैच के 7वें ओवर की 5वीं गेंद की, जब रॉस्टन चेज बल्लेबाजी करने आए, युजवेंद्र चहल गेंदबाजी करने आए। दोस्तों, चहल की इस गेंद को देखिए, जैसे युजवेंद्र चहल ने ये गेंद फेंकी तो रॉस्टन चेज इसे खेल नहीं पाए, गेंद लगी दोनों पैड्स के बीच में। अब पैड्स पर गेंद लगने के बाद ऋषभ पंत वहां से जोर से अपील करने लगे और उनके साथ युजवेंद्र चहल जोर से अपील करने लगे, लेकिन अंपायर ने फिर भी नॉट आउट दिया। उसके बाद युजवेंद्र चहल गुस्से में आ गए, उन्होंने सीधा अंपायर को देखने के पहले ही रिव्यू लेने का फैसला किया रोहित शर्मा के साथ। रोहित शर्मा चिल्लाने लगे कि ये क्या कर रहा है, सोचने का टाइम तो दे, ये रिव्यू लेना चाहिए या नहीं। ऐसे में उसके बाद रोहित शर्मा ने और एक बार सोचा, उन्होंने हालांकि ऋषभ पंत से पूछा लेकिन विराट कोहली से नहीं पूछा, क्योंकि युजवेंद्र चहल काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। वो बार बार रोहित की तरफ देख रहे थे और रोहित को कह रहे थे कि रिव्यू ली। आखिर में तंग आकर रोहित शर्मा ने रिव्यू लेने का फैसला ले ही लिया। अब जैसे ही डीआरएस का फैसला आया तो थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया मैदान के अंपायर ने। थर्ड अंपायर ने बीच की लाइन देखी तो वो तो मिसिंग हो ही रही थी, इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ था, ओरिजिनल डिसीजन नॉट आउट था और पिच इन लाइन हो रहा था सिर्फ, जिसके चलते एक और बार रिप्ले में देखा गया। दोस्तों, आपको रिप्ले भी बताते हैं। दोस्तों, रिप्ले में देखिए, गेंद पूरी तरह से मिस हो रही है स्टंप से, क्योंकि आउटसाइड ऑफसाइड था, जिसके चलते काफी ज्यादा मिस हो रही थी, जिसके चलते इस डिसीजन को नॉट आउट दिया गया। दोस्तों, अब यहां से असली कारनामा शुरू हुआ। जैसे ही अंपायर ने इसे नॉट आउट दिया तो युजवेंद्र चहल तो रोहित शर्मा की तरफ देख ही नहीं रहे थे, क्योंकि रोहित शर्मा गुस्से में इतने भड़क उठे थे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ युजवेंद्र चहल के कहने पर रोहित शर्मा ने रिव्यू लिया। रोहित शर्मा तो विराट कोहली से नजर ही नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने विराट कोहली को बिना पूछे रिव्यू लिया था और ये रिव्यू लॉस हो गया था। हालांकि अंत में सब सही हुआ और सब हंसी खुशी वापस मैदान पर गए। सो आप रोहित शर्मा की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इसका जवाब हमें कॉमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं।
दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज का पहला टी20 मुकाबला हो चुका है समाप्त। तो आइए आप सभी को बताते हैं सूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। कायरन पोलार्ड के सामने भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में पेटीएम टी20 सीरीज का पहले मुकाबले में रोहित शर्मा ने शानदार तरीके से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया वेस्ट इंडीज को। वेस्ट इंडीज की तरफ से पहले सलामी बल्लेबाज का झटका लगा वेस्ट इंडीज को ब्रैंडन किंग के रूप में। दोस्तों पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार डालने आए। दोस्तों भुवनेश्वर कुमार की इस गेंद को ब्रैंडन किंग पढ़ नहीं पाए, हल्का सा किनारा सा एज लेकर गेंद गई सामने खड़े सूर्य कुमार यादव के हाथ में और यहीं पर भारतीय टीम को पहली सफलता जल्दी मिली, जहां ब्रैंडन किंग मात्र 4 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर सूर्य कुमार यादव को अपनी कैच दे बैठे। उनके बाद मेयर अच्छी पारी खेल रहे थे लेकिन 31 रन बनाकर वो भी चहल की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। LBW एम्पायर ने अपील की, आउट दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिव्यू लिया लेकिन एम्पायर ने फिर आउट दिया और यहीं पर वेस्ट इंडीज का रिव्यू भी गया और 31 रन पर चहल के हाथों आउट भी हुए मायर्स। उनके बाद रॉसन चेज बल्लेबाजी करने आए थे। डेब्यूटेंट बल्लेबाज और गेंदबाज रवि बिश्नोई ने फंसाया, इन्होंने भी रिव्यू लिया लेकिन इनको भी एम्पायर ने वापस से आउट दिया। दोनों रिव्यू गए वेस्ट इंडीज के और रॉसन चेज मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसी ओवर में एक और बड़ी विकेट निकाली रवि बिश्नोई ने। 200 पोवेल इस गेंद पर छक्का लगाने की चाह में गेंद को बड़ा शॉट खेल बैठे लेकिन बाउंड्री पर गेंद के नीचे आ गए वेंकटेश अय्यर और रोमन पोवेल मात्र 2 रन बनाकर बिश्नोई की गेंद पर वेंकटेश अय्यर को अपनी कैच दे बैठे और रवि बिश्नोई ने डेब्यूट पर एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट निकालने का करिश्मा किया। लेकिन उसके बाद वेस्ट इंडीज की तरफ से सबसे बड़ा तूफान आया जिसका नाम था निकोलस पूरन। दोस्तों इस मुकाबले में निकोलस पूरन ने तूफानी अर्धशतक लगाया। भारतीय टीम का कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं था जो इनकी बल्लेबाजी के कहर से बच सके। ऐसे में इस मुकाबले में पूरन ने 61 रनों की धाकड़ पारी खेली। वो अंत में आकर आउट हुए। हर्षल पटेल की गेंद पर विराट कोहली को अपनी कैच देकर 61 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। उनके साथ कायरन पोलार्ड ने इस तूफानी मुकाबले में नाबाद पारी खेली। दोस्तों इस मुकाबले में 24 रन बनाकर 19 गेंदों का सामना करते हुए कायरन पोलार्ड नाबाद गए लेकिन आखिरी विकेट आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर गिरी। 200 ओडियन स्मिथ इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की चाह में रोहित शर्मा को नीचे अपनी कैच दे बैठे। रोहित शर्मा ने डाइव मारकर शानदार कैच पकड़ी। आखिरी गेंद थी वो छक्का लगाने की चाह में गेंद को खेल बैठे और इसी के साथ वेस्ट इंडीज की इनिंग 157 रन पर समाप्त हो गई। 200 वेस्ट इंडीज की टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 157 रन लगा दिए 7 विकेट के नुकसान पर। इतने टारगेट का पीछा करते भारतीय टीम की शुरुआत शानदार रही जहां रोहित शर्मा और ईशान किशन ने भारतीय टीम को सबसे ज्यादा और बेहतरीन शुरुआत दिलाई। दोस्तों इस मुकाबले में हिटमैन 40 रन पर खेल रहे थे तभी वो रॉसन चेज की इस गेंद को छक्का लगाने की चाह में नीचे ओडियन स्मिथ को अपनी कैच दे बैठे और भारतीय टीम की पहली विकेट गिरी। 264 रन पर भारतीय टीम की पहली विकेट गिरी। रोहित शर्मा 40 रन बनाकर 19 गेंदों का सामना करते हुए आउट हो गए तो उनका साथ दे रहा है ईशान किशन। इन्होंने मैदान पर कुछ खास बल्लेबाजी नहीं की। दोस्तों ये ज्यादा बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन लगा नहीं पा रहे थे। ऐसे में इसी मुकाबले में ईशान किशन ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए। रॉसन चेज की गेंद पर फैबियन एलन को अपनी कैच दे बैठे और ईशान किशन इस मुकाबले में 35 रन बनाकर चेस की गेंद पर एलन को अपनी कैच दे बैठे। उनके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे विराट कोहली बड़ी उम्मीद थी इनसे लेकिन ये भी एक और बार सामने का शॉट खेलने के चक्कर में 17 रन पर आगे बड़ा शॉट खेल बैठे लेकिन गेंद बाउंड्री से जाने से पहले कायरन पोलार्ड के हाथ में गिर गई और 17 रन बनाकर फैबियन एलन की गेंद पर कोहली आउट हो गए। दोस्तों उनके बाद ऋषभ पंत आए थे बल्लेबाजी करने के लिए लेकिन कोटरेल की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। शॉट गेंद थी पीछे का शॉट लगाने के चक्कर में पीछे खड़े फील्डर को अपनी कैच दे बैठे और ओडियन स्मिथ के हाथों आउट होकर रह गए। ऐसे में इस मुकाबले में ऋषभ पंत भी मात्र 8 रन बनाकर कोटरेल की गेंद पर ओडियन स्मिथ को अपनी कैच दे बैठे। 214 रन पर 34 विकेट गिरी। उसके बाद सूर्य कुमार यादव मैदान पर बल्लेबाजी करने आए और उनके साथ वेंकटेश अय्यर ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। 230 गेंदों पर 30 रनों की दरकार थी जहां सूर्य कुमार यादव और वेंकटेश अय्यर ने इस मुकाबले में अच्छी पारी खेली। दोस्तों इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने 34 और वेंकटेश अय्यर ने 24 रनों की पारी खेल भारतीय टीम को 18वें ओवर में ही जीत दिला दी। ऐसे में 6 विकेटों से भारतीय टीम ने पहला टी20 मुकाबला जीत लिया है। जी हां दोस्तों पहला टी20 मुकाबला जीतकर भारतीय टीम 1-0 से आगे बढ़ चुकी है टी20 श्रृंखला में। दोस्तों आपको भारतीय टीम की ये जीत कैसी लगी हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच में पहला टी20 मुकाबला। दोस्तों इस मुकाबले में कायरन पोलार्ड के सामने रोहित शर्मा ने टॉस जीता और वेस्ट इंडीज को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में भुवनेश्वर कुमार ने पहला झटका दिया इस तरीके से वेस्ट इंडीज को, उन्होंने तूफानी तरीके से आउट कर रख दिया। इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज के पहले सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग को जो मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए के बाद एक और बड़ी विकेट गिरी काइल मायर्स के रूप में जो 31 रन बनाकर चहल की गेंद पर LBW आउट हो गए। लेकिन इस मुकाबले में मजा तब आया जब 7वें ओवर की 34
गेंद डेब्यूटेंट गेंदबाज रवि बिश्नोई की डालने के लिए आए। दोस्तों रवि बिश्नोई के हाथ में ये ओवर आया था, ऐसे में इनके सामने रॉस स्टोन चेस बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में रवि बिश्नोई की इस गेंद को चेस पढ़ नहीं पाए और वो कट करने के चक्कर में गेंद को मिस कर बैठे और गेंद गई ऋषभ पंत के दस्तानों में। अब बिश्नोई और ऋषभ पंत दोनों ही अंपायर से अपील करने लगे लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया। तभी रोहित शर्मा पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूजन में वो रोहित शर्मा सीधा गए अब विराट कोहली के पास। विराट कोहली से उन्होंने बातचीत की, दोस्तों ऋषभ पंत के साथ साथ भी उन्होंने बात की लेकिन कोहली से वो बार बार पूछ रहे थे कि आपको आवाज आई है बल्ले की, क्या मैं रिव्यू लूं। ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली कप्तानी कर रहे हैं और उनके अंडर रोहित शर्मा और रवि बिश्नोई खेल रहे हैं। ऐसे में विराट कोहली के कहने के बाद इस तरीके से रोहित शर्मा ने रिव्यू लेने का फैसला किया। दोस्तों आप सभी को बता दें विराट कोहली ने भी कहा कि गेंद थोड़ी सी पीछे जा रही थी, पैड्स की आवाज आ सकती है। ऐसे में फिर भी रोहित शर्मा ने रिव्यू लिया। अब रिव्यू में जब थर्ड अंपायर ने देखा तो बल्ले का कोई भी एज नहीं लगा है, ना ही पीछे से ऋषभ पंत ने स्टंपिंग की है। ऐसे में डिसीजन नॉट आउट आया और रॉस स्टोन चेस की विकेट नहीं मिली भारतीय टीम को और रिव्यू भी रोहित शर्मा ने गवा दिया। जी हां दोस्तों भारतीय टीम ने रिव्यू भी गवा दिया। उसके बाद ऐसी शक्ल हो गई थी रोहित शर्मा की। दोस्तों आप सभी को बता दें रोहित शर्मा के साथ जो गेंदबाजी के लिए आए थे वो तो डेब्यूटेंट गेंदबाज रवि बिश्नोई, उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं था। हालांकि रोहित शर्मा कप्तान थे फिर भी उन्होंने पूरी टीम से पूछा। विराट कोहली ने भी कहा कि नीचे एक गेंद पैड की आवाज आ सकती है, फिर भी रोहित शर्मा ने रिव्यू लिया और ये रिव्यू लॉस हो गया। लेकिन उसके बाद भी रवि बिश्नोई ने एक ही ओवर में दो विकेट निकाले जहां उन्होंने रॉस स्टोन चेस की विकेट 4 रन पर निकाली। तो नया आए बल्लेबाज रोमन पॉयल की भी विकेट रवि बिश्नोई ने एक ही ओवर में निकाली जहां ये भी मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों आप रवि बिश्नोई की इस गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। अगर आप ऋषभ पंत को एक तूफानी बल्लेबाज मानता है तो वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच में शुरू होने वाला है पहला टी20 मुकाबला। दोस्तों पहला टी20 मुकाबला खेला जाने वाला है ईडन गार्डन्स के मैदान पर कोलकाता के तूफानी शहर में, जिसके चलते भारतीय टीम तूफानी तरीके से प्रैक्टिस कर रही है और इंट्रा स्क्वाड मुकाबले में भी तूफानी प्रदर्शन किया भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने। दोस्तों सूत्र से पता चल रहा है कि अब पोलार्डी वापस से कप्तानी करेंगे वेस्ट इंडीज की और रोहित शर्मा भारतीय टीम की। दोस्तों इसी के लिए कुछ झलकियां हम आप तक लेकर आए हैं भारत के इंट्रा स्क्वाड मुकाबले की, जहां सभी खिलाड़ी तूफानी तरीके से मैदान पर आमने सामने आए और अपनी तूफानी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का जलवा दिखाकर सभी को हैरान कर रख दिए हैं। दोस्तों सबसे पहले ऋषभ पंत की एक तस्वीर आई लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपना धमाका किया। दोस्तों इन तस्वीरों में देखकर अब साफ नजर आ रहा है कि रोहित शर्मा मैदान पर आग लगाने वाले हैं। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी तूफानी होने वाली है पहले टी20 मुकाबले में। उसके बाद दूसरी तस्वीर आई है कुलदीप यादव की। दोस्तों लिमिटेड ओवर का खेल है, ऐसे में कुलदीप यादव को भारतीय टीम में ले सकते हैं। तो इनके बाद श्रेयस अय्यर नेट्स में तूफानी फील्डिंग करते हुए नजर आए। उनके बाद दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो युजवेंद्र चहल नजर आए। दोस्तों कुल 4 की जोड़ी हम सभी को पहले टी20 मुकाबले में देखने को मिल सकती है। ऐसे में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की काफी दिनों बाद वापसी होगी भारतीय टीम में। दोस्तों ऋषभ पंत की बल्लेबाजी के क्या कहने, ये तूफानी फॉर्म से चल रहे हैं। ऐसे में इनके बाद और भी अन्य खिलाड़ियों ने दूसरा प्रदर्शन किया, जैसे कि सिराज ने गेंदबाजी से और ऋतुराज गायकवाड़ ने बल्लेबाजी से। रोहित शर्मा के साथ साथ राहुल द्रविड़ ने मिलकर पूरे कोचिंग स्टाफ को बुलाया, पूरे खिलाड़ियों को बुलाया और सभी का फिटनेस टेस्ट लिया। ये तस्वीर वही है जहां श्रेयस अय्यर अपनी फिटनेस का टेस्ट दे रहे थे, तो वही रोहित शर्मा नेट्स में अपनी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसके चलते भारतीय टीम पूरी तरह से मजबूत नजर आ रही है। दोस्तों रोहित शर्मा कप्तानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ओडीआई सीरीज जीतने के बाद काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है रोहित शर्मा में। तो तीसरे ओडीआई मुकाबले में ऋषभ पंत ने अर्धशतक ठोका था, जिसके चलते वो भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में है और पूरी भारतीय टीम भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में है। दोस्तों ईशान किशन होंगे, दीपक चहर होंगे और काफी बड़े बड़े नाम शामिल होंगे पहले टी20 मुकाबले में। ऐसे में देखना ये होगा कि कौन से खिलाड़ियों को भारतीय टीम लेती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम पहला वनडे मुकाबला जीत पाएगी या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत ने अपनी सरजमीन पर अपना झंडा लहरा दिया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। 3-0 से भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को धूल चढ़ा दी है वनडे श्रृंखला में। दोस्तों आप सभी को बता दें तीसरे ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम ने 56 रनों से जीत हासिल की, जिसके मैन ऑफ द मैच बने श्रेयस अय्यर जिन्होंने 80 रनों की तूफानी पारी खेली थी। तो वहीं मैन ऑफ द सीरीज बने प्रसिद्ध कृष्णा जो कि एक तेज तरार बॉलर है भारतीय टीम के। दोस्तों आप सभी को बता दें मैच के बाद रोहित शर्मा ने जीता हजारों करोड़ों भारतीयों का दिल। दोस्तों जब रोहित शर्मा मैच खत्म होने के बाद ट्रॉफी लेने गए तब रोहित शर्मा ने करोड़ों भारतीयों का दिल जीता। दोस्तों रोहित शर्मा ने ट्रॉफी लेकर खुद लेकर फोटो नहीं ली ट्रॉफी के साथ, ट्रॉफी ली उन्होंने लेकर युवा खिलाड़ी जो कि अपने डेब्यूट पर थे इस सीरीज में रवि बिश्नोई के हाथ में ट्रॉफी दी और बिना फोटो खिंचाए हुए कोने में जाकर ठहर गए रोहित शर्मा। दोस्तों एक और बार भारतीय टीम की परंपरा को बरकरार रखा रोहित शर्मा ने। दोस्तों मुकाबले में 20 तक आ गए थे रोहित शर्मा फोटो के लिए, लेकिन तभी उन्होंने ट्रॉफी रवि बिश्नोई के हाथ में दी और खुद सेंटर में भी नहीं ठहर गए, सीधा कोने में जाकर ठहर गए, पूरे यंगस्टर्स को बीच में ठहराया ताकि उनका मनोबल बढ़े, उनका कॉन्फिडेंस आगे और खेलने के लिए बढ़े। ऐसे में रोहित शर्मा ने ट्रॉफी देकर खुद साइड में होने का फैसला किया। ऐसे में रोहित शर्मा ने मैच भी जीता, रोहित शर्मा ने सीरीज भी जीती और रोहित शर्मा ने इसी के साथ करोड़ों भारतीयों का दिल भी जीता। दोस्तों भारतीय टीम की परंपरा है कि कप्तान कभी भी ट्रॉफी के साथ फोटो नहीं लेता, वो ट्रॉफी ले जाकर सीधा युवा खिलाड़ियों के हाथ में देता है और युवा खिलाड़ी उस चीज को देखकर कॉन्फिडेंस लेते हैं,
और रोहित शर्मा ने अपनी परंपरा को बाखूबी निभाया। रोहित शर्मा के अंदर कप्तानी की पूरे गुण है, ऐसा नहीं है कि वो कप्तान उतने खास नहीं है। रोहित शर्मा बेहतरीन कप्तान है और एक बेहतरीन लीडर है। इसके साथ विराट कोहली भी शामिल हो चुके हैं, तो अब भारतीय टीम और भी ज्यादा मजबूत और भारतीय टीम और भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। दोस्तों आपको भारतीय टीम की ये शानदार जीत कैसी लगी हमें कॉमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों